अध्याय जना मुतवासा मुशीरियाला मुशीर वजीरियाला से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जनाब डॉक्टर नजीब जमान साहब, प्रोफेसर यूसुफ साहब, शाहदा का चैनल साहब मती मजदा महकू जाहिद अहमद साहब मुतब रामा सिंह जी साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को यहाँ यूट्यूब में खासतौर पे हमारा जो नया एक फ्लोर बना है इसका आज पहला यहाँ पर एक फंक्शन होगा, इसमें आपको खुशामदी कहता हूँ। और अंजुमन तरक्की उर्दू हमारे मेहमानों खुसूसी के लिए मैं कुछ अर्ज करता चला हूँ कि 1903 में मुस्लिम लीग के टाइम से 3 बरस पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कायम की गई थी और जिसमें 1812 में मौलवी अब्दुल्ला साहब इसमें सेक्रेटरी मुकर हुए थे। 1912 उसके बाद उन्होंने 1931 में ये एक रिसर्च जर्नल उर्दू मजल्ला शायद किया था जिसकी आज 100 साल जो है साल में पूरे हो गए, जिसके वकील फिलहाल हमारे जो प्रोफेसर शाहदा बैसानी साहब हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के भी चेयरमैन उर्दू डिपार्टमेंट में हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू डॉक्टर साहब ने सबसे पहले आकर यहाँ पर एक आता हासिल किया जहाँ पर उन्होंने उर्दू कॉलेज की बुनियाद रखी और वहाँ पर तमाम चीज़ें उर्दू में उन्होंने तदरीस का इंतजाम भी किया, लोगों को उसके लिए तैयार भी किया। हुकूमत की तो बहुत पतिराई भी हासिल होती रही। उसके बाद 1962 में जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद जनाब अख्तर हुसैन साहब को उसका सदर नामजद किया और सब सदर पाकिस्तान ने और यहाँ पर उसके बाद आनी साहब हिंदुस्तान में भी जॉइंट सेक्रेटरी रहे और बात आगे बढ़ती गई। उनका एक बड़ा दरीना ख्वाब था कि उर्दू यूनिवर्सिटी का क्याम हो, तो अलहमदिल्ला 2002 में उसको चार्टर भी मिल गया और वो रवा दवा है। सिर्फ उसमें यह है कि उर्दू में कम पढ़ाई जाती है क्योंकि बलिहाल छोटा सदर अंजुमन हमारी सैनिक से जो नुमाइंदगी है सिंडिकेट पर भी एक दफा मैंने उनके हेड ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट से पूछा कि जनाब तो आप कौन से जबान में पढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने का इंग्रेजी है तो वो क्योंकि उर्दू में होना चाहिए मैं शुरू में गया। मैंने कहा देखिए साहब सिंध यूनिवर्सिटी में सिंधी में नहीं पढ़ाते, पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी में नहीं पढ़ाते, लिहाजा मैंने कहा भाई यहाँ पर तो लिहाजा उनको भी उर्दू आयुष कराने के लिए जिस वजह से जारी है मुस्तक तो बुनियादी तौर पर उसका प्रयाम तौर में आया था कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तर्ज पर वहाँ पर जैसे प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमान साहब ने बताया कि दारुलतर्जे में क्याम हुआ ताकि तमाम उलूम जो दस्तयाब थे उनका तर्जुमा किया गया उर्दू जबान में हर चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती। तो हम बहरहाल अपने जो हमारा मकसद है उससे थोड़े से भटके हुए लेकिन उसी तरह दोबारा आए क्योंकि बुनियादी डॉक्टर अब्दुल हक साहब का यही था नजरिया के नाम उर्दू को हर जगह राइज किया जाए, तालीम उर्दू में दी जाए। सरकारी जबान भी क्योंकि उर्दू ही खराब पाई थी और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हैं जवाद ख्वाजा साहब के भी वो बात के नफाज कर दिया जाए। हुकूमत ने उस समय खुदूत भी सबको तहरीर किए लेकिन खुदूत अंग्रेजी में तहरीर किए। बहरहाल अब हमें उसको ज्यादा तर्जुमा जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने उर्दू लुगत बोर्ड भी कायम किया था बाद में वो हुकूमत ने उर्दू लुगत बोर्ड बना दिया। तो अब हम यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं पिछले जब से हमारी नई इंतजामिया ने अपना जिम्मेदारियाँ संभाली
तो बीच में हमें पौने दो साल तो कोविड की नजर हो गए, लेकिन इस दौरान हम अपना ये काम बाकी जारी रखा है, तामीर का और तमाम चीजों का। और मैं खास तौर पे मैंने मदू किया था हमारे वजीर आला सिंह को कि वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपने क्या कहते हैं बहुत काबिल मुशीर बैरिस्टर मुस्तफा वहाब को उनकी नुमाइंदगी के लिए भेजा, उनकी खसूसियात भी थी, लेकिन वादा उनका है कि वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। मैं खासतौर पर इनको बुलाने की मकसद ये था कि मैंने ये किया हुआ था लाहौर में मस्जिद रबी अदब, तो वहां पर ऊपर पंजाबी अदबी बोर्ड का भी साथ रखता है, मैं वहां नहीं चला गया। मैंने उनका पूछा कि भाई क्या आपको बजट रेट कितना मिलता है, उन्होंने कहा 3 लाख रुपए देती है हुकूमत पंजाब। और मैं क्योंकि रिटायर्ड इंफॉर्मेशन अफसर हूं तो मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसे लेती हूँ, बाकी भी लोग हैं 3-4 और हम पैसे आपको देते हैं। उनको वो कहते हैं हम पर इल्जाम यही है कि पंजाबी सब कुछ खा गया, पंजाबी पे चल गया, लेकिन हमें जिस फराग दिली के साथ सिंध हुकूमत हमें मुस्तकिल सपोर्ट दी इसके लिए खास तौर पे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने वो पंजाबी के साथ नहीं किया जो सिंध गवर्नमेंट ने उर्दू के साथ जो किया उनकी कमिटमेंट है और मैं इसको रिकॉर्ड में डाल देता। मादी जुबानों की अहमियत भी अपनी जगह पे है और उससे भी हम जो है जहाँ जहाँ मादी जुबानों में दूसरी इलाकाई जुबानों में जो जो लिटरेचर वगैरह है, हमारा इरादा है कि अपना जो तराजम का एक महकमा था उसको मजीद फाल करके उन इलाकाई जुबानों के भी तराजम उर्दू में चलेंगे। और उसके अलावा एक सबसे अहम जो मंजूर का हमारा हिस्सा है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की दस्तयाब उर्दू का भी तर्जुमा करें, अब उसका भी हम इंतजाम करने जा रहे हैं। हमारे इसी तरह कि उर्दू जबान के फ़रोग़ के लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि जिस तरह एक फौज के लिए हथियार बनाने के इदारे की ऑर्डिनेंस एक्ट की जरूरत होती है, तो इसीलिए हम समझते हैं कि लुगत भी हमारा हथियार लुगत है, तो लिहाजा हमने हुकूमत से दरख्वास्त भी की थी और उसको परसू भी कर रहे हैं कि लुगत कोड हमने मैंने वहाँ जाकर देखा भी तो खासी यहाँ मुख्तव हालत है, उसकी कोई खास मेंटेनेंस भी नहीं है और एक जमूर का शिकार है। वजीर तालीम से भी बात हुई, उन्होंने हाल ही में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, यूसुफ साहब चेयरमैन अकेडमी ऑफ जजेस ने हॉल ऑफ फेम बनाया उर्दू के अदीबों के लिए इस्लामाबाद में, तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, कर रहे हैं, तो वहाँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमने उनके हवाले ये किया है, लेकिन उनसे बात करने के अगर वो यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि हम उसमें इमारत या एसेट में दिलचस्पी नहीं रखते, हम चाहते हैं कि उसको हम प्राइवेट। जिस तरह मैं अभी अपने इस फोन पर कोई अंग्रेजी का टेक्स्ट सिलेक्ट करूँ और स्पीक का ऑप्शन दबाऊँ तो अंग्रेजी पढ़ते सुना देगा, इसी तरह उर्दू के लिए भी हम वो चाह रहे हैं फैसिलिटी हो और हम बोले तो वो उर्दू लिखना शुरू करते। कुछ चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो एग्जैक्टली वो उसका तर्जुमानी नहीं करती है, तो उसके लिए हम लम्स के साथ और बीकन नेशनल यूनिवर्सिटी और HEC के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो जाए तो दूसरी इलाकाई जुबानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। आपने ये देखा होगा कि ये इलाका एक संगीत एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है, NET यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एक तरफ जाना है कराची इतनी बड़ी और भी यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, उर्दू लैंग्वेज जो लुगत बोर्ड भी है, तो बेशुमार यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। एक छोटी सी चीज़ आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि कुछ अरसे से कुछ हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है जिसको हमने काफी वसत दी है,
और यहाँ के तमाम यूनिवर्सिटियों के यहाँ के तलबा यहाँ पर आते हैं और रिसर्च तलबा यहाँ के इस्तेमाला करते हैं, खवातीन भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर ये तकरीबन 7.5 बजे तक खुली रहती है लाइब्रेरी भी। कुछ अरसे से पिछले चंद माह से यूनिवर्सिटी के सामने जो ग्राउंड है आपने शायद गौर किया हो, वहाँ पर बेशुमार कच्ची आबादी वहाँ एकदम हमारे जो वजूद में आ गई है, क्योंकि माफिया का काम है वहाँ पे। क्योंकि शाम को वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं कुड़ियाँ उड़ियाँ लेने के लिए। तो इस इलाके में अगर बड़ी बदगुमान भी लगता है तो इस पर जरा एक तवज्जो आपकी भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लिहाजा सिंधु के लिए आपके ग्रांट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और इंशाल्लाह हम तमाम आपके जो रिक्वायरमेंट चल रहे हैं चैप्टर रूल्स उन तमाम के मुताबिक ऑडिट एज बीन वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट, दैट्स व्हाई आई थिंक हमें इसमें इजाफा भी किया गया। तो लिहाजा ये चीजें बातें मैं कहना चाहता था और आपका आपको शामिल कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वजीर आला भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बहुत खुशी होगी कि हम पब्लिक के लिए इस बात है इसका इजराव करना चाहते हैं। उसमें हमारी बड़ी हमारा ये जारी है। सबसे पहले तो हमारा कमेटी में काला हो चुका है, हमारे मेहमान दूसरी तब्दील के बाद सेशन हो सके।